फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 करा था एक्सरसाइज 3.4 का। तो अब जो है हम इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला जा रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो ये हमें इक्वेशन दी गई है, ठीक है ना। इसके हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो है इक्वेशन, इस इक्वेशन में हमें तीन टर्म्स हैं हमारे पास। तो अभी तक हमने इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं करा, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन और अलग टाइप का है। तो इसको जो है हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम या तो दो टर्म लेके, तो cos a plus cos b वाला फार्मूला लगा के इसको कर लें, या cos a माइनस cos b वाला लगा के कर लें। तो इसको हम ज़रा सा देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको लें, कौन कौन सी टर्म्स हम लें ताकि हमारा ये हो जाए, ठीक है ना। मान लो हम ये दो टर्म लेते हैं, तो हमारे पास एक तो कॉस का फार्मूला है, cos a plus cos b, ठीक है ना। अगर हम ये दो टर्म लेते हैं तो ये हमारा फार्मूला लग जाएगा। तो इसमें जो इसमें हम a प्लस बी बाई टू करके देख लेते हैं, तो उससे हमें पता लग जाएगा। तो हम सिंपली करके देख लेते हैं। तो a प्लस बी करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3x प्लस एक्स बाई टू, ठीक है ना। और ये हमारा हो जाएगा 4x बाई टू, और 2 1 2 और 2 2 4, यानी कि 2x आ जाएगा इसमें अगर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। और 3x माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू x, यानी कि ये अगर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे cos a प्लस cos b, यानी कि 2 cos a plus b cos a minus b by 2, ठीक है ना। तो 2 cos a plus b, ये a plus b by 2 इसको हमने ले लिया, और a minus b by 2 इसको ले लिया। इससे हम सिर्फ एंगल निकाल के देख रहे हैं कि किस तरह कौन सा हमें कॉम्बिनेशन ज़्यादा सही रहेगा, तो वो हम चेक कर रहे हैं। तो ये हमने लिया फर्स्ट और सेकंड टर्म को लेके, ठीक है ना, ये फर्स्ट प्लस सेकंड। अच्छा, अगर हम ये सेकंड और थर्ड टर्म को लेके देखें, तो सेकंड और थर्ड को लेके देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, तो ये हमारा होता है 2 sin - 2 sin, ए प्लस बी बाई टू और साइन ए माइनस बी बाई टू, ठीक है ना। और ये हमारा होता है कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 cos a plus b by 2 और कॉस ए माइनस बी बाई टू, ठीक है ना। तो इस पार्ट को हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि कौन सा एंगल हमारे लिए जो है वो अच्छा रहेगा। अच्छा, अब हम मान लो सेकंड और थर्ड टर्म को लेके चलते हैं, तो हमारे पास a प्लस बी ये हो जाएगा हमारा x plus 2x by 2, तो ये हमारा हो जाएगा 3x by 2, ठीक है। और x माइनस 2x अपॉन 2, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस एक्स बाई टू। तीसरे को भी चेक कर लेते हैं एक बार, फर्स्ट और थर्ड को लेके देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट प्लस थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड में क्या है, कॉस ए माइनस कॉस बी वाला लगेगा, तो ये हमारा आ जाएगा। तो इसमें ए प्लस बी करके देख लेते हैं हम, तो 3x plus 2x अपॉन 2, ये हमारा हो जाएगा 3 और 2 5x by 2, और 3x minus 2x by 2, ये हमारे पास आ जाएगा x by 2, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम इसको गौर से देखें, एक्चुअली हमें करना क्या है कि जो ये थर्ड टर्म है, हमें ये वाला एंगल चाहिए किसी तरह से।
अगर ये हमारे पास 2x आ जाए तो हम जनरल टर्म आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें से देख लेते हैं कि कौन सा, ये जैसे मान लो ये 2x आ रहा है, ठीक है ना। तो ये cos a प्लस cos b यानी कि फर्स्ट और सेकंड टर्म लेने से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमें 2x एंगल मिल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ तीसरी टर्म में भी जो है 2x है। अगर ये दो टर्म में एक साथ लेते हैं तो थर्ड टर्म में 2x का एंगल है, तो ये एंगल हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं तो यहाँ पर हमारे को 3x बाई टू और -x बाई टू, तो ये तो हमारे पास कोई एंगल है नहीं, ठीक है। और अगर फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं तो 5x बाई टू और x बाई टू, ये भी हमारे पास एंगल नहीं है। तो अगर हम फर्स्ट और सेकेंड टर्म को ले लें तो ये हमारे पास एंगल आ जाता है थर्ड टर्म में 2x, ठीक है ना। एक तो पॉजिटिव पॉइंट हमारे पास ये हो गया। अच्छा, दूसरा अगर हम मान लो सेकेंड और थर्ड टर्म को लेते हैं या फर्स्ट और थर्ड टर्म को लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन है ये फार्मूला, ठीक है। तो हमारा जो आंसर जो हम निकालेंगे वो हमारा साइन कॉस से जो है साइन में कन्वर्ट हो जाएगा सारा, ठीक है ना। तो थर्ड टर्म हमारे पास कॉस में है, तो हमारा जो ये फर्स्ट और सेकेंड को जब हम करेंगे इसको सेकेंड और थर्ड को या फर्स्ट और थर्ड को, तो हमारा सारा जो आंसर है उस फर्स्ट का वो साइन में आ जाएगा। तो फर्स्ट और सेकेंड को लेंगे तो हमारा ये कॉस में ही रहेगा, ठीक है। और दूसरा बेनिफिट क्या है कि हमारे पास ये एंगल 2x जो दिया हुआ है हमें थर्ड टर्म में, हमारे पास सेम वही आ जाएगा। तो कॉस 2x आएगा, तो ये कॉस इधर लेके जाएंगे तो कॉस 2x इजिकल टू कॉस 2x, तो ये हमारे पास बैलेंस हो जाएगा। तो हम फर्स्ट और सेकेंड टर्म को लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो मेन मकसद हमारा यही था थोड़ा देखने का कि कौन कौन से हम एंगल लें। तो इसके हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, वी नो डैट cos a plus cos b is equal to 2 cos a plus b upon 2 or cos a minus b upon 2। तो ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है ना। ये हमने फार्मूला लिख लिया। अब इस फार्मूले को हम लगाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉस बी, यानी कि ये फर्स्ट टर्म ले ली हमने और ये सेकंड टर्म ले ली। तो 2 कॉस ए प्लस बी 3x प्लस एक्स, 3x प्लस एक्स अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी, यानी कि 3x माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। और ये थर्ड टर्म है हमारी माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये हमने फार्मूला लगा दिया पहली फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के अंदर, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो फर्दर सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास हो जाएगा 2 कॉस 3x और x 4x बाई 2 कॉस 3x में से x गया 2x अपॉन 2, और ये थर्ड टर्म हमारी माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 0। अब 2 1 2 और 2 2 4 और 2 से 2 कट गया, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2 कॉस 2x और कॉस एक्स माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से कॉस 2x जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो कॉस 2x कॉमन ले लेते हैं, कॉस 2x कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 2 कॉस एक्स माइनस, यहाँ 1 आ जाएगा क्योंकि ये कॉस 2x हमने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। एक बार हम कॉस 2x को 0 से इक्वेट कर देंगे और दूसरी बार जो है 2 cos x माइनस 1 को हम 0 से इक्वेट कर देंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में जो है कॉस
2x इज इक्वल टू 0, और दूसरा है हमारा 2 cos x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये cos 2x इज इक्वल टू 0 यानी कि cos थीटा कहाँ कहाँ 0 होता है। तो मैं आपको जो है तीन चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो ये साइड में मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, तो ये आप लिख लीजिएगा, मैं आपको बता ही देता हूँ कि आप एक तो साइन थीटा कब 0 होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 ये होता है, थीटा 0 जब होता है इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, साइन थीटा जो है थीटा होता है एन पाई, और कॉस थीटा 0 होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा या कॉस वाई जो भी आप कह लें, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, थीटा 0 होता है 2n+1 पाई बाई 2, इस जगह पे ये 0 होता है, बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी के नाइन्टी डिग्री मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर, यानी कि ये पाई बाई 2 ये 90 डिग्री है हमारा, ठीक है, और 2n+1 ये क्या है, ये हमारा ऑड नंबर है, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर होता तो 2n होता, और 2n+1 है तो इसका मतलब ये ऑड नंबर है, तो 90 डिग्री मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर। तो यहाँ पर ये कॉस थीटा जो है ये 0 होता है, और टेन थीटा कहाँ 0 होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा होता है हमारा एन पाई पे ये हमारा 0 होता है, और एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है ना, तो ये तीन चीज़ें आप ध्यान रखना इनको कि 0 जो है कहाँ कहाँ पर होता है। साइन 0 है तो आप एन पाई उसको कर सकते हैं, कॉस थीटा 0 है तो उसको आप 2n+1 पाई बाई 2 कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू हमें पता है। तो अब जैसे हमारे पास कॉस 2x इज इक्वल टू 0 यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 क्या होता है, 2n+1 पाई बाई 2, तो इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो कॉस 2x इज इक्वल टू 0 यानी कि थीटा, तो इसलिए 2x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2, ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 4, क्योंकि ये 2 आएगा इधर नीचे आ जाएगा 2, तो ये एक हमारा सोल्यूशन निकल के आ गया। तो बेसिकली जो है कॉस 0 कब होता है, वो होता है 2n+1 पाई बाई 2 पे, ठीक है, तो ये हमारा हमने ये इसका लगा दिया और x की वैल्यू इससे हमने निकाल ली। अब हम दूसरी तरफ इसको इक्वेट कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2 cos x इज इक्वल टू 1, इस 1 को हम इधर ले आए, और cos x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। अब cos थीटा की वैल्यू जो है 1/2 वो कहाँ पर होती है, ये तो हमें पता है, ठीक है ना, तो ये होती है 60 डिग्री पे, यानी कि cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना, तो cos x इज इक्वल टू ये हो गई हमारी cos 60 डिग्री यानी कि पाई बाई 3, तो ये हमारी 60 डिग्री हो गई, क्योंकि cos 60 डिग्री जो आता है वो 1/2 होता है, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। तो इसमें हम सीधी थ्योरम अब लगा देते हैं, तो x इज इक्वल टू 2n π + -, थीटा या वाई जो मैंने आपको बताया था तो उसकी वैल्यू ये आ गई हमारे पास पाई बाई 3, ठीक है, तो ये हम पाई बाई 3 लगा देंगे यहाँ पे, और n बिलोंग्स टू इंटीजर।
ये मैंने आपको थ्योरम बताई थी जब साइन साइन कॉस और टेन की जो हम मैंने तीन थ्योरम आपको बताई थी ना, तो ये थ्योरम वो है। तो इस तरह से हमने ये कॉस की थ्योरम बताई थी, कॉस एक्स इजिकल टू कॉस वाई और एक्स इजिकल टू 2n पाई, तो ये 2n पाई प्लस माइनस वाई, तो ये हमारा थीटा जो है ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ये हमने निकाली है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वहाँ से हमने ले लिया, तो ये हमारे पास आ गई सेकंड वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने का ये ढंग था जो कि मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं जहाँ पे तीन टर्म्स आ जाएँ। कई बार क्या होता है कि तीन टर्म्स से ज़्यादा भी टर्म्स हो सकती हैं, चार टर्म्स हो सकती हैं, पांच टर्म्स हो सकती हैं, तो मतलब ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये बेसिकली जो मैंने आपको तरीका बताया है वो इस तरह से हम करते हैं, ठीक है ना। दो टर्म्स एक साथ लेके फिर उसके एंगल को चेक कर लेते हैं कि कौन सा एंगल हमारे लिए बेस्ट रहेगा उसको लेने में। तो हम उस वो दो टर्म्स लेके और उसको फिर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इस तरह से जो है हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और ये जीरो वाला आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कॉस साइन जीरो साइन थीटा जीरो कहाँ पर होता है, कॉस थीटा जीरो कहाँ पर होता है और टेन थीटा जीरो कहाँ पर होता है। तो इसकी वैल्यू फिक्स है वो जो मैंने आपको अभी लिखवाई थी, तो वो आप वैल्यू जो है वो नोट करके रख लीजिए। जैसे कि साइन थीटा जीरो होता है एन पाई पे, ठीक है ना। कॉस थीटा जीरो होता है वो होता है 2n+1π/2 पे जीरो होता है, और टेन थीटा जो होता है वो एन पाई पे जीरो होता है, ठीक है। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं और इस तरह से हमने इसको इक्वेट कर दिया। तो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से मेरे सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। और फिर भी अगर कोई हो सकता है किसी को ना समझ में आ रहा हो या कोई ना मेरी समझ पा रहा हो कोई स्टेप, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है ना। अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, ठीक है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, किसी भी स्टेप में मेरे प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, तो उस वीडियो में आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए कि ये प्रॉब्लम है, तो हो सकता है मैं उसको और ज़्यादा अच्छे ढंग से आपको और एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है ना। तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ ही गया होगा अच्छी तरह से। और स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। लाइक करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होगा कि मैं जो अपने नेक्स्ट वीडियोस डालूंगा, ठीक है ना, उनके नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल जाएंगे डालते ही। तो आपको सर्च करने की या इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बेल का जो है बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक्स।